तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने बल्ब को यहाँ जला लिया है और पेट्रोल उसके नीचे रखा है। जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राइजिंग अजमेर। फ्रेंड्स, आज का मेरा एक्सपेरिमेंट इस बल्ब और पेट्रोल पर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको जलते हुए बल्ब को पेट्रोल में डालकर दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच क्या रिएक्शन रहते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो देखते हैं, लेट्स सी द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है पेट्रोल और इसको हम अब ग्लास को पूरा भर देंगे पेट्रोल से। तो ये देखिए, इतना इनफ है फ्रेंड्स पेट्रोल। और अब इसको इसके ऊपर हम फ्रेंड्स जो बल्ब है इसके ऊपर लटका देते हैं। चलिए फ्रेंड्स बल्ब लटकाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इस बल्ब को जलाते हैं और इसको धीरे धीरे इस ग्लास के ऊपर लेके आते हैं। देखते हैं पेट्रोल के साथ जलते हुए बल्ब का क्या रिएक्शन रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि बल्ब जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने बल्ब को यहाँ जला लिया है और पेट्रोल उसके नीचे रखा है। अब इस बल्ब की जो तार है उसको मैं नीचे धीरे धीरे लेकर आऊँगा और ये बल्ब जो है पेट्रोल के टच होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है हमारा इसमें फूटा नहीं पेट्रोल में। ये देखिए पेट्रोल भी है और यहाँ पर कुछ पेट्रोल गिरा हुआ है इस बल्ब के यहाँ पर डूबने की वजह से। और फ्रेंड्स देखिए बल्ब भी अभी हमारा चालू है, फूटा नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसे हम इसी बल्ब को अब हम पानी में डालकर देखते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है, ये बल्ब फूटता है या नहीं। फ्रेंड्स आपने देखा कि पेट्रोल में बल्ब डालने से बल्ब नहीं फूटा। अब मैं यहाँ पर पानी लेकर आ चुका हूँ और ये गिलास वही गिलास है और पानी से मैंने इसे भर दिया है। तो अब इसे इसके नीचे रख देते हैं बल्ब के नीचे और बल्ब को अब हम धीरे धीरे इसके गिलास के ऊपर लेके आते हैं और इसका पानी के साथ बल्ब का रिएक्शन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए कि ये बल्ब जो है अब इस पानी से भी पानी में डालने से भी नहीं फूटा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पानी यहाँ पर गिरा हुआ है क्योंकि हमने बल्ब को इसके अंदर डाला था। और देखिए फ्रेंड्स बल्ब जो है यहाँ पर अभी सही सही है फ्रेंड्स, देखिए। तो अब मैंने फ्रेंड्स इस बल्ब को यहाँ पर कुछ इस तरह से आड़ा रख दिया है ज़मीन पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये है अब कुछ पेट्रोल मैंने लिया है इस कैप में, अब इसकी बूंदों को मैं उस बल्ब पर डालता हूँ, देखते हैं इससे बल्ब फूटता है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पे पेट्रोल की कुछ बूंदें डाली लेकिन ये बल्ब पेट्रोल से नहीं फूटा। अब मैं इसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालूंगा जैसे कि मैंने मेरे एक एक्सपेरिमेंट में किया था, तो देखते हैं अभी उस तरह से बल्ब फूटेगा या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये पानी मेरे हाथ में है और इसकी कुछ सिर्फ कुछ बूंदें आप ये देख सकते हैं, कुछ बूंदें मैं इस पर डालूँगा, इसका रिएक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपकी ये जो बल्ब है पानी में और पेट्रोल में इस तरह से डालने से भी ये नहीं फूटा, लेकिन हमने जैसे ही इसे आड़ा किया और आड़ा करके इस पर पानी की कुछ बूंदें ऊपर से डाली तो देखिए आप ये यहाँ पर कुछ इस तरह से छेद हो गया और ये बल्ब फूट गया।